इसमें ना अफरा था, ना तफरी थी और ना कॉमेडी थी, और डॉन बेचारा बड़ा ही, यानी कि फारिक डॉन था, नो कोई उसके पास दो गनमैन थे और बेचारा वो कहाँ से डॉन थे ये समझ नहीं आई। और दोनों समीना अहमद एंड आई थिंक शेख साहब सेम एज आई थिंक, उनको माँ कैसे बना दे ये समझ नहीं आई उनकी, बिकॉज सिमिलर एजेस हैं दोनों के। एंड बहुत ही पेनफुल फिल्म थी दे टू वॉच, बिकॉज कहीं भी मुझे ना मज़ा आया, आई हैड टू वॉच इट बिकॉज ऑब्वियसली रिव्यू देना था, एंड ना कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन थी, ना राइटिंग थी, ना एक्टर्स ने कोई काम दिखाया हमें, सो इट वॉज अ प्रिटी प्रिटी बैड टेली फिल्म। ओके जी रुबीना, सो अगेन द प्लॉट वर्क्ड फॉर मी, मुझे प्लॉट ठीक लगा कि एक लड़की है जो बाप से थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट में है, एक बाप है जो डॉन है वो यू नो किसी को खातिर में नहीं ला रहा, एक माँ है जो पोती के साथ है हर सिलसिले में, एंड द अफरा तफरी वॉज देयर, बट कहीं वही लिखने में कहानी और वो कॉमेडी आप ना कहें अगर इसको, तो फिर शायद फिर भी वर्क कर जाए, बट देन इट्स नहीं, फिर तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। वो लड़की पहले वो समंदर पे गई है, मैंने जिंदगी में समंदर देखना चाहती थी, सी व्यू पे रहो भाई तुम, क्या हो गया? She lives in Karachi, she lives in Karachi, that's what I'm saying, the plot was fine, but intricacies, how to, you know, ये बात कहनी कैसे है और इसमें लोगों को ग्रिपिंग कैसे करना है, वो खुद सर लड़की दिखाई है जो बाप के सामने बात भी कर रही है, वो भी कर रही है, वो या तो दिखाई ना बिल्कुल डरी हुई डॉन की बेटी सैमी भी है, पहले तो समंदर देखा फिर तो कॉमेडी समझ आती है, एंड ऑल द एक्टर्स वर फाइन, मुझे इस प्ले के एक्टर्स सारे ठीक लगे, बट somehow थिंग्स गॉट मिस्ड, सैड हो गया। नादिया आपकी बारी आई है। आई एम इन साइलेंट मोड, आई देखिए एक मिनट की खामोशी इख्तियार की जाए। ओके आप समुंदर पे गए हैं सोने और सूरज एक डायरेक्शन में गुरूब हो रहा है, आप सुबह उठे हैं और उसी डायरेक्शन में अभी तक सूरज गुरूब ही हो रहा है, अब एंगल ही चेंज कर दें, आप कुछ सोच लें, यू नो देयर वाज सम, देयर वाज जावेद साहब का एक एंगल था जो मुझे समझ ही नहीं आया, ये जो उनको ये और कैमरा यहाँ, एंड हु इज हियर, ही इज लुकिंग, वेयर इज ही लुकिंग, हु इज ही लुकिंग एट, चले रेट रेट करो, अब हमने इसके धजियां तो उड़ा दी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। टेलीफिल्म हमारा फोटे हुआ करते थे जमाने में, हम मुकाबला करते थे दुनिया की फिल्म का अपनी टेलीफिल्म से, जब हमारी फिल्में बिल्कुल खत्म हो सोचे, और तकरीबन सारे डायरेक्टर्स जो इस वक्त जिनके नाम काबिले जिक्र हैं वो टेलीफिल्म डायरेक्ट करके बने हैं, दिस वॉज आर एक्सपर्टीज इन टेलीफिल्म। सैड बात ये हुई है कि उनकी मार्केटिंग अब होनी बंद हो गई है, तो वो जॉनरा खत्म हो गया है। अतीका आप क्या देंगे किशोर असमल को राइटिंग के मार्क्स? हाउ कैन आई रेट दिस फिल्म, मैं क्या रेट है, क्या मैं दूँ, ना इसमें कोई डायलॉग था, ना प्लॉट क्लियर था, ना सीन, चलें जस्ट आउट ऑफ एफर्ट आई गिव हिम अ टू, आई मीन आई कांट, हाउ कैन आई सिट हियर एंड क्रिटिसाइज समथिंग एंड देन I like it when she gives this kind of marking to someone. मैं बुराई भी करूँ फिर मार्किंग कैसे हो सकती है? रुबीना आप राइटर की तरह। There was a dialogue, there's only one dialogue which made me actually laugh. Oh, you laughed on? हाँ, I कौन सा? Amy भोक करके ना जैसे आप हंस पड़ते ना क्यों है? जावेद बोला। वो गम का सावधान जो किसी सूरत में नहीं। हाँ, वो क्योंकि इतनी seriously मैं एक comedy film देख रही थी, तो एक dialogue आया जो जावेद ने बहुत ही अच्छा बोला कि अमीर का रायता बना के कोल्ड ड्रिंक में डाल के अगर नया ब्रांड बना के मैंने मार्केट ना किया तो मेरा नाम जावेद बंदूक वाला व्हाटएवर नहीं, जमशेद बंदूक वाला नहीं, सो आई विल गिव द राइटर फॉर दिस डायलॉग 4 ओके। नादिया आप, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ सम कि कोई वजह हो जिससे मैं कोई मार्क दूं, मुझे वो मोमेंट पसंद था जब जावेद शेख जी डिशकून करते हैं, वो दो जगह आया और मुझे बहुत देर से शुरू हुआ, बाद में ख्याल आया मजे का था, राइटर को दे रही हूँ, उन्होंने तो डिशकून ही लिखा होगा, आउट ऑफ पिटी एंड सॉरो सपोर्ट ही दे दो कुछ, डोंट गिव अप, इंशाल्लाह यू कैन डू बेटर, या दैट्स अ गुड वे, टू
किशोर असमल को टोटल 8 मार्क्स मिले हैं. टू फॉर एफर्ट. टू फॉर एफर्ट. डायरेक्शन की तरफ चलते हैं. अवैस सुलेमान अतीका फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सीन टू गरूब ए आफ्ताब से तलू ए आफ्ताब तक. प्रॉब्लम ये है कि मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हम राइटर के साथ जुम तो नहीं करें क्योंकि शायद डायरेक्टर ने बर्बादी की है. तो उसमें ये है कि डायलॉग भी ठीक नहीं थे. लाइक राइटर की बचत इधर हो जाती है कि अगर चलो पूरा डायरेक्टर ने सारा बर्बाद कर दिया, लेकिन जो जुमलेबाजी एक्टर कर रहा है वो तो राइटिंग से ही आता है. तो इसलिए राइटर के पास देयर वाज नो डायलॉग, इट वाज जस्ट सिचुएशनल एंड बैड सिचुएशंस. डायरेक्टर आल्सो आई थिंक यू नो अगेन फ्रेमिंग नहीं थी, कास्टिंग मिसकास्ट लोग हुए हुए थे बिकॉज समीना एंड जावेद डिडंट मेक सेंस टू मी एज मदर एंड सन. और कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई मोमेंट नहीं था. सो आई वुड गिव द डायरेक्टर 2 एज वेल बिकॉज आई डोंट सी एफर्ट. आई जस्ट सी के बस हमने फिल्म निकालनी है. हाँ मतलब वो एटलीस्ट समंदर पे एंगल ही चेंज कर लेते. देख लेना कि हाँ. लगते बस निकालना, काम निकालना है. आई एग्री विद अतीका हियर बिकॉज ऐसे ही था कि उनको अच्छे एक्टर दे दिए थे, रियली गुड एक्टर्स. हर कोई ठीक कर रहा था. वो प्लेसिंग्स गलत होंगी वो एक अलहदा बात है, बट हर कोई अपना बेहतरीन देने की कोशिश कर रहा था. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, डायरेक्टर ने को बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचा कि सिचुएशन बनाना और उसको जस्टिफाई करना. जैसे कि इन्होंने कहा कि छत वाली सिचुएशन जहाँ वो आई हैं और वो ढूंढ रही हैं, कोई मेहनत नहीं की. सो मेरे हिसाब से ज़्यादा तबाही जो है वो डायरेक्टर के खाते में गई है इस फिल्म में, और मैं उनको 3 दूंगी. 3 मार्क्स चलें. अच्छा आप क्या कितनी? डायरेक्टर जो होता है ना, जैसे मैंने कहा वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है. तो ये जो शिप थी ऐसी, इट वाज लाइक बीइंग स्टक इन अ ट्रैफिक जैम. आई कैन नॉट और यू नो राइटर, फिर भी राइटर ने बैठ के पेन के साथ कुछ लिखा है या कहीं ना कहीं कुछ लिखा है, बुरा लिखा है, कुछ लिखा है. डायरेक्टर जो है कैमरामैन इज शूटिंग, लाइट गाय इज ऑब्वियसली हैविंग अ पार्टी विद यू नो नॉट लाइटिंग, एक्टर्स आर हैविंग अ बॉल. मैं सोच रही हूँ, माय गॉड, आई जस्ट यू नो आई ऑलवेज प्राइड माई सेल्फ फॉर बीइंग अ गुड काइंड पर्सन. 0 हमने तो सिर्फ वो थोड़ा सा सिंपैथी में दो दो कर दिया. यू हैव टू डू बेटर, यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू गेट इट टू हैपन. एंड डोंट वेस्ट गुड एक्टर्स यार, उनकी आप बेइज्जती देखे. शेख साहब, समीना, इन सब ने अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी दे दी अपना नाम बनाने के लिए. उनको आप ऐसे इस्तेमाल करके ना खर्च करें प्लीज. आप आए और आपने एक सेकंड में डबो दिया टाइटैनिक कि बस जावेद शेख है, समीना अहमद है, तो चल जाए. दिस इज नॉट फेयर ऑन द एक्टर्स. नॉट फेयर. ओके, मेरे कान में प्रोड्यूसर ने बोला था एटलीस्ट एक तो दे. यू कांट, आई मीन नहीं देना चाह रही, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते. अच्छा चले जी, आगे बढ़ चले. ओके अच्छा जी, नेक्स्ट कैच. डोंट गिव अप. I think this will be the lowest ever director in the history of the Adama. I think abhi hamare paas minus mein bhi rating. Nahi Mukarram, agar to naye actors hote na, naye actors aapne liye chale, phir bhi aap maaf kar dete 1-2-3. But you've taken these, you know, heroes of the industry, icons of industry, and done this with them. Dekhiye, agar aapko bure dialogues mile na, aap silences mein expressions nikalwal dein. Aap wohi kar dein. Aap aur kuch nahi, achhi lighting kar dein, aur kuch nahi to aap 5 मिनट का सूरज का सीन सही तरह से गुरूब और उतरते. आई एम जस्ट थिंकिंग कि ये कसूर डायरेक्टर का नहीं है, ये कसूर ऑन अ सीरियस नोट उनका है जिन्होंने चेक रखना है डायरेक्शन पे. नहीं, डायरेक्टर का भी है. डायरेक्टर खुद कुछ भी नहीं है. अगर आप ये खरीद लेंगी काम, तो किसको फर्क पड़ रहा है? डायरेक्टर को क्यों फर्क पड़ेगा? वो YouTube पे हमेशा के लिए मौजूद रहेगा. वो हमेशा ही आके डायरेक्शन करके चला जाएगा. उसका बिक गया है, अक्लेम हो गया है, ईद पे चल गया है. सो द चेक कम्स फ्रॉम समवेयर एल्स. बट बिना पर उन्होंने काम क्या किया है जानी? तो किसको, कोई चेक कर रहा था उनको? हाँ, बट फिर आप किसी को आपके घर में कोई भी आप काम के लिए लोग बुलाते हो, वो काम नहीं करते, तो उनका कसूर तो आना नहीं होता जितना आपको. हमें भी चैनल को भी रेट करना चाहिए. द चैनल, द प्रोड्यूसर्स, एवरीवन, सो वी शुड रेट एवरीबॉडी दैट. नहीं, बट आई एम सेइंग चलें कुबरा खान, अतीका, कुबरा. हाँ, कुबरा वॉज ओके. जो वट एवर शी वॉज गिवन, वो अपनी तरफ से उससे कोशिश की है बच्ची ने, बट नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी. आई विल गिव हर अ 4. फोर. मैंने जितनी टेलीफिल्म्स देखी हैं
इन दो शोज के लिए, उसमें मुझे सबसे बेहतर कुबरा लगी है. अच्छा. एंड आई विल गिव हर डेफिनेटली गिव हर अ 7. अच्छा, 7. बिकॉज आप हमेशा कहते हैं कि जब आप एक उस लेवल पे होते हैं तो फिर आप डायरेक्टर से लड़के, बिकॉज आपने एक बार यमुना के नंबर काटे थे कि आपका इतना बुरा था, आप डायरेक्टर से कहती कि मेरे ये क्या सीन्स बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर उनको इसे नंबर देंगी? मैं बिल्कुल उनको दूंगी, क्योंकि उन्होंने किसी सीन में भी मुझे ऐसा डिसअपॉइंट ऐसे नहीं किया कि जो सीन था उसने उसमें अपना पार्ट प्ले किया, राइट फ्रॉम द यू नो नो मेकअप लुक, नो कर्ल्स इन द हेयर, एंड एक नाखुश बेटी बाप के साथ है, वो लग रही थी मुझे. आप कुबरा इनको लगा कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी उसकी आपको? देखिए, जस्ट फॉर दैट वन सीन, बट वन सीन जिसमें उनको पता चलता है कि बिलाल ने झूठ बोला है और वो बांधा हुआ है बिलाल ने, और जावेद साहब कहते हैं ये झूठा है, ये वो है, वो एक्सपो, वो कहता है कि हाँ मैंने होटल, जस्ट द फैक्ट दैट शी कुड गिव एक्सप्रेशंस इन दैट सीन, जस्ट फॉर दैट, वो उस टू बी एबल टू ब्रीद इन दैट रूम एट दैट टाइम, उसके लिए आई विल गिव हर 6. ओके. बिलाल खान. बिलाल खान इज अ गुड एक्टर, गुड एक्टर. यहाँ पे अगेन जाया किया है इसको, एंड आई फील कि ही उन्होंने कुछ थोड़ा सा मैनेज कर भी लिया, थोड़ा सा अपने आप अपना जो रोल बनाना था मैनेज कर भी लिया, लेकिन सिचुएशन एज सच बिफिटिंग नहीं थी. सो आई थिंक आई गिव हिम, फॉर हिम आई गो अप टू 6. 6. आप 6? बिल्कुल 6. हाँ, कन्विंसिंग था, ठीक किया, अगर करवा लेता कोई तो इससे अच्छा कर सकता था, बट ही वॉज फाइन. 6. आप 4. अफरा तफरी की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी, इसमें उस तरह के नंबर मिले जो आज तक कभी ये नंबर किसी को भी नहीं मिले.